All right, so Bismillahirrahmanirrahim. Today we are starting again with the review and the reinforcement section of the weather and climate of Pakistan. Please make sure that you must be jotting down the points, important points, wo review mein jot down karte chale jaiyega. So the very first thing is over here we have is the climate and weather. As the very first time I have explained you ke climate kya hai. Climate is basically the long-term generalization. Over 30 years, 20 years के time में change होता है. It's a long-term variations. Weather हमारे पास क्या है? Weather जो है regular basis के ऊपर change होता है. It's a short-term generalization. It refers to the atmospheric conditions. कोई भी short period of time में यानी कि climate चीजों का change होना. तो हमारे पास ये ये कहलाता है. This is we called as Yes, Maryam Khan. All right, so weather हमारे पास जो है वो हमें ये चीज बताता है. Right, तो क्लाइमेट जो है बेसिकली वेदर एंड क्लाइमेट जो है हमें इस चीज पे डिस्कशन देती है. ठीक है, अस्सलाम वालेकुम. हाँ अफान. हाँ हाँ शम्स बोलो. बेटा मैं क्लास ले रहा हूँ अभी ना. ठीक है, हाँ हाँ मैं क्लास ले रहा हूँ. तो विल मीट यू एट 3 o'clock. सही है, आज 3 मैसेज दे देना सबको. सही है, ओके ओके अल्लाह. तो क्लाइमेट ये हमारे पास वेदर है. इसके बाद फिर हमने डिफरेंस इन वेदर एंड क्लाइमेट किया था. आपको होता है पाकिस्तान के अंदर 4 सीजन्स होते हैं. विंटर स्टार्ट होती है मिड दिसंबर से एंड देन प्रीवेल्स टू मार्च. अर्ली समर आपके पास अप्रैल टू जून होता है. लेट समर जुलाई टू सेप्टेम्बर होता है. इसमें टेम्परेचर बूस्ट पे जाके थोड़ा सा मॉनसून की वजह से मॉडरेट आ जाता है. फिर पोस्ट मॉनसून आपके पास अक्टूबर टू दिसंबर आपके पास ये यस. आप बहुत जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा आहिस्ता बोल रहे हैं. मैं बेटा ओवरव्यू करा रहा हूँ तो मुझे पूरा चैप्टर ओवरव्यू करवाना है. ठीक है, तो प्लीज मेरे साथ साथ रहिए. यू कैन सी ये पाकिस्तान का अराउंड पूरा फारेनहाइट्स के अंदर ग्राफ है. उसके बाद हमने रेनफॉल को स्टडी किया था. आप जानते हो कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो 4 किस्म के सोर्सेस ऑफ रेनफॉल होते हैं. वो मॉनसून है और वेस्टर्न डिप्रेशन है, कन्वेक्शनल करंट्स है, रिलीफ रेनफॉल, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. एक मिनट मैं ये एक 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 सेकेंड बेटा मैं ये रिमूव कर दूं. ये मरियम खान हमारे पास आई गेस जा चुकी है. अच्छा आई एम लॉकिंग अप द रूम. ठीक है, मैं रूम लॉक कर रहा हूँ. अब जो है वो अब हमारे पास है, अब बाहर से नहीं आ सकते. ओके जी, आई हैव लॉक्ड मीटिंग रूम नाउ. यस अब्दुल रहमान खान साहब, आप जरा इंसान बन जाएं और जरा इस पे आ जाइए. हमारे पास पाकिस्तान में 4 मॉनसून की रेनफॉल है. पहला जो है वो हमारे पास है मॉनसून विंड्स. दूसरा है वी हैव वेस्टर्न डिप्रेशन. तीसरा वी हैव द कन्वेक्शनल करंट्स. चौथा इज द रिलीफ रेनफॉल. ठीक है, एंड पांचवा इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, ये हमारे पास 4 किस्म की रेनफॉल है. कौन कौन सी रेनफॉल है मैं आपको बताऊं जल्दी से. मॉनसून विंड्स हैं. मॉनसून विंड्स के बाद वेस्टर्न डिप्रेशन है विच इज विंटर रेनफॉल. फिर वी हैव कन्वेक्शनल करंट्स, वी हैव रिलीफ रेनफॉल एंड देन वी हैव द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स. ठीक है, अब्दुल रहमान खान प्लीज शो योर फेस. शाबाश. Yeah, I cannot. It's I'm not sir, going to accept these slides. I'm telling you because you have to jot it down.
यू हैव टू जॉट इट डाउन, अदरवाइज आपकी वो आदत खत्म हो जाती है. अब हमने सबसे पहले मॉनसून विंड स्टार्ट की थी. मॉनसून विंड्स आप जानते हैं कि पाकिस्तान में कब आती है. यस अमन, व्हेन डू द पाकिस्तान रिसीव मॉनसून रेनफॉल? यस, व्हेन डू द पाकिस्तान रिसीव मॉनसून रेनफॉल? सर वो सीजन होती है, वो समर और विंटर के बीच में आती है. यस सो क्या ना, व्हेन डू द पाकिस्तान रिसीव मॉनसून रेनफॉल? सर समर और विंटर के बीच में. सो क्या ना, हेलो हेलो हेलो. यस सर. यस, व्हेन डू पाकिस्तान रिसीव मॉनसून रेनफॉल? सर वी रिसीव मॉनसून रेनफॉल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ समर एंड विंटर एंड थ्रू बे ऑफ बंगाल. विंटर, विंटर में मॉनसून कब आता है? जो कि समर विंटर के अंदर आपके समर के आपके पास जो है वो मॉनसून विंड्स जो है आती है. सी ब्रीजेस विच इज द रेनफॉल. आप जानते हैं कि प्रेशर डेवलप्स एट बे ऑफ बंगाल. मॉनसून विंड्स ट्रेवल फ्रॉम द हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया टू द हाई प्रेशर एरिया. आफ्टर क्रॉसिंग इंडिया एंड बांग्लादेश इट एंटर्स एंड स्ट्राइक फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट साइड ऑफ पाकिस्तान. और पाकिस्तान में जो मॉनसून की विंड्स है वो टेल एंड कहाँ रिसीव होती है? वो टेल एंड जो है पाकिस्तान में सिंध के अंदर रिसीव होती है. ऑल राइट. Yeah, your video has been recorded and that will be transferred to your parents, inshallah. So please be like serious in the class. Thoda se serious ho jaye, aur uske baad phir I hope that we can work on. So yes, then we have the Western Depression, which is the winter rainfall. Isme zyada precipitation ye strike karta hai Pakistan ke western part of Pakistan mein. जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था इसमें इसकी सोर्स क्या है. द प्रेशर डेवलप्स एट मेडिटेरियन सी आफ्टर क्रॉसिंग अफगानिस्तान ईरान टर्की इट स्ट्राइक द वेस्टर्न पार्ट ऑफ पाकिस्तान. अच्छा, फार्मर्स ऑलवेज वेलकम दीज बिकॉज दीज आर द लाइट शावर्स. ऑलवेज वेलकम. अब्दुर रहमान असलम कह रहे हैं मुझे आप अंदर ले लें. ठीक है, तो दीज आर ऑलवेज वेलकमिंग. हेलो हेलो. उसके बाद जो है प्लीज stay quiet and just listen to it. Whoever is a part of it, whoever is a part of this class now will be the part of it. I'm not going to enter anyone in the class. All right. So monsoon winds mein maine explain kar diya. Western depression pe main hu. Western depression mein zyada jo rainfall hai wo kyunki december to march ka duration hai to precipitation jo hai wo in the form of snowfall mein hoti hai. Then we have the convectional currents, right? We have the convectional currents. आप जानते हैं कि hot air rises during the summer and when it reaches to the high layer of atmosphere, condensation takes place causing the rainfall. आपको पता है कि ये किसकी वजह से intensity of heat की वजह से बारिश होती है. Convectional currents मैंने आपको पढ़ाया था ज्यादा area of पंजाब के अंदर होती है. अच्छा, गर्मी तो arid area में ही पड़ती है, बलूचिस्तान में ही पड़ती है, तो वहां पर convectional currents क्यों नहीं होती? Yes. Yes, anyone? Yes. Yes, please. Yes, everyone. Anyone? Why yes, do sir. Baluchistan did not experience the convectional currents? Baluchistan mein convectional currents kyun nahi hote? Can you speak more, sir? Oh, Baluchistan. Sir, there water bodies near me. बलूचिस्तान में जबकि वहाँ गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है. वेरी गुड. वहाँ पे जो है वाटर बॉडी नहीं होती बलूचिस्तान के अंदर. पंजाब में इंटेंसिटी ऑफ हीट की वजह से बहुत ज्यादा बारिश होती है और क्योंकि वेपोरेशन भी होती है क्योंकि वहाँ पूरा इंडस प्लेन है जिसपे आपके पास इंडस, झेलम, चनाब, रावी, सतलज ये तमाम सारे मौजूद हैं. तो इंटेंसिटी ऑफ हीट की वजह से व्हेन सनलाइट हीट्स अप द ग्राउंड जब हॉट एयर राइजेस अप होती है तो फिर वो एक ऊपर वाले लेवल जहाँ पे कंडेंसेशन होती है उस जगह का नाम क्या है? ड्यूक लेवल. रिमेम्बर दैट
रिमेम्बर दैट मैंने आपको पढ़ाया था जहाँ पे कंडेंसेशन टेक्स प्लेस वहाँ ड्यूक लेवल होता है. फिर कभी कभार जहाँ कन्वेक्शन करंट्स नहीं हो पाते तो वो क्लाउड जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स की तरफ चले जाते हैं. तो पाकिस्तान में जहाँ लेस रेनफॉल होती है वो टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर की वजह से. मैंने आपको पढ़ाया था एक चीज, व्हाई डू कराची डज नॉट रिसीव रेनफॉल फ्रॉम द कन्वेक्शनल करंट, जबकि यहाँ पानी भी, वाटर बॉडी भी है, टेम्परेचर भी हाई होता है. जस्ट बिकॉज कराची के अंदर सी ब्रीजेस प्रीवेल होती हैं एंड द सी ब्रीजेस डज नॉट अलाउ द कंडेंसेशन टू टेक प्लेस. फिर ऊपर आपको एक और बात पता है कि हॉट एयर राइजेस अप, तो इस वजह से डज नॉट अलाउ कंडेंसेशन टू टेक प्लेस. और हवा का जो तेज प्रेशर है वो क्लाउड्स को अपवर्ड पुश करता है. इस वजह से जो है यहाँ पे क्लाउड्स तो आते हैं मगर यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट से बारिश नहीं होती क्योंकि इट डज नॉट अलाउ कंडेंसेशन टू टेक प्लेस. ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो कराची के अंदर कौन सा सिस्टम था? पहले करंट समझे, इसके बाद अपनी क्वेरीज को लिख लें, इसके बाद फिर एंड में जब मैं आपको टाइम दूंगा तो फिर आप मुझसे रिपीटेशन में पूछिएगा. बीच इन लेक्चर के दौरान के अंदर जो है वो इंटरप्शन फिर सबके लिए हो जाएगी. तो व्हाट एवर योर प्रॉब्लम्स आर, राइट इट डाउन इन अ सेपरेट नोटबुक एंड जस्ट आई ऑलवेज गिव यू द टाइम इन द एंड. तो क्योंकि अभी हम कन्वेक्शनल पढ़ रहे हैं, इस चीज को समझें. आपको समझ में आना चाहिए कन्वेक्शनल कराची के अंदर रेनफॉल क्यों नहीं होती और ये अप्रैल मई जून के अंदर होती है और इसका टाइम ड्यूरेशन क्या है. ये तमाम सारी चीजें वी हैव टू डू इट. ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर है कि नहीं? यस सर. अंडरस्टूड? जी जी. ओके सर, कराची वाली बात दोबारा समझा दीजिए. कराची के अंदर जो है व्हाट डस कन्वेक्शन करंट्स नॉट अकर इनटू द कराची, बिकॉज कराची के अंदर जो है वो टेम्परेचर इन्वर्जन लेयर का है. देयर इज अ क्रॉस क्राइस्ट सिस्टम. द सी, कराची इज अ कोस्टल एरिया क्लाइमेट, सो द सी ब्रीजेस प्रिवेल ओवर हियर. द कंडेंसेशन, इट डज नॉट अलाउ हियर कंडेंसेशन टू टेक प्लेस. वजह की ये है कंडेंसेशन यहाँ क्यों नहीं होती, बिकॉज हॉट एयर राइजेस अप एंड द सी ब्रीजेस पुश द क्लाउड्स अपवर्ड्स, इसलिए कंडेंसेशन नहीं होती है यहाँ पे. ठीक है, बारिश नहीं होती कन्वेक्शनल करंट रेनफॉल से. तभी आप देखते हैं क्लाउड की फॉर्मेशन तो हो जाती है मगर क्लाउड फिर कंडेंसेशन नहीं हो पाती, बिकॉज ऊपर ड्यूक लेवल पे हमें जो है कूल एयर चाहिए. कराची में कोस्टल एरिया की वजह से ड्यूक लेवल के ऊपर हॉट एयर राइजेस अप. आई बात समझ में? एवरीवन क्लियर? यस सर. एवरीवन, इज द इंफॉर्मेशन क्लियर टू यू? रिलीफ रेनफॉल मैंने आपको पढ़ा था चौथे किस्म का. ये आपको पता है लीवर्ड साइड एंड विंडवर्ड साइड. रिलीफ रेनफॉल जो हमेशा हाइट ऑफ लैंड की वजह से होती है. जहां पे माउंटेन्स ऊपर पहुंच जाते हैं और वहां पे उसको कंडेंसेशन होती है क्योंकि नीचे से क्लाउड समटाइम्स अपवर्ड मूव कर रहे होते हैं. और जब कभी कभार, जरूरी नहीं है कि पंजाब में कंडेंसेशन हर दफा ही हो, कभी कभार क्लाउड ऊपर भी चले जाते हैं एंड द कंडेंसेशन डज नॉट अलाउ टू टेक प्लेस. तो क्लाउड फिर ऊपर चले जाते हैं. तो फिर जब वो नॉर्थ की साइड पे जाते हैं ऑब्वियसली वहां तो चिली एयर होती है तो उनको कंडेंसेशन मिलती है तो फिर वहां पे बारिश हो जाती है. तो ज्यादातर रिलीफ रेनफॉल जो है माउंटेनियस एरिया के अंदर होती है और ये साल में किसी वक्त भी हो जाती है. डू यू अंडरस्टैंड? डू यू अंडरस्टैंड? जी सर. यस सर. Yes. Now the natural hazards of a tropical cyclone आपको पढ़ाया था. Tropical cyclone जो है वो Arabian Sea से originate होता है और it is very much dangerous as well. फिर हमने climatic zones किए थे. Highland zone आप जानते हैं, हमने पढ़ा था इसमें northern areas है, western highlands है, चित्राल, मरी, मुजफ्फराबाद, क्वेटा. यहाँ पे winters बहुत cold होती है, snow ही होती है. रेनफॉल नॉर्मली जो है वो नॉर्दर्न माउंटेन्स में हाईलैंड की वजह से मॉनसून से आती है. टेम्परेचर कंडीशंस जो है वो डिपेंड करता है एल्टीट्यूड के ऊपर. ठीक है जी. फिर आपको पता है कि समर्स नॉर्थ वेस्ट साइड पे हमारे पास किस तरीके से होते हैं. तो आप ये बात भी जानते हैं कि इन इलाकों के अंदर जो है, जो हाईलैंड एरिया है, यहाँ पे विंटर्स सिवियर विंटर्स होते हैं और सम रिवर्स जो फ्रीज हो जाते हैं. विंटर फार्मिंग प्रैक्टिस नहीं हो पाती. ट्रांसह्यूमंस मैंने पेपर में भी दिया था. ट्रांसह्यूमंस प्रैक्टिस होता है. व्हाट इज ट्रांसह्यूमंस? मूविंग द पेस्टर्स एनिमल्स फ्रॉम हाई पेस्टर्स टू द लो पेस्टर्स ड्यू टू द क्लाइमेटिक कंडीशंस. क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से जो आपकी मूवमेंट होती है उस हाई पेस्टर्स से लो पेस्टर्स पे, उसको हम एस आर ट्रांसह्यूमंस कहते हैं. उसको हम क्या कहते हैं? द ट्रांसह्यूमंस. उसको हम क्या कहते हैं? द ट्रांसह्यूमंस. ठीक है, ट्रांसह्यूमंस. नॉर्दर्न एरिया
स्लाइड्स नॉर्दर्न एरियाज के अंदर लैंडस्लाइडिंग बहुत ज्यादा होती है, हैवी स्नोफॉल होती है, तो इसलिए वाटर सप्लाई भी नहीं है हमारे पास, इसलिए ह्यूमन सेटलमेंट्स यहाँ पर डिस्करेज किए जाते हैं. ऑलराइट, फिर हमारे पास है एरिड एरियाज जो कि मैंने डिस्कशन में लेके आया हूँ. एरिड एरियाज आर द साउथ ईस्टर्न डेजर्ट साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान के, खारान डेजर्ट है साउथ वेस्टर्न बलोचिस्तान है, तो क्लाइमेट यहाँ का बहुत ड्राई एंड हॉट होता है. Hot dusty winds prevail continuously, mild to mild September. Rainfall यहाँ पे take place और extreme heat और dust storms यहाँ पे जो हैं वो main features हैं. Winters काफी ज़्यादा यहाँ पे cool होते हैं because of low angle of जो है mild होते हैं angle of sun. Summers are very hot, high angle of sun होता है. और winters भी आप जानते हैं कि arid areas के अंदर कैसे warm winters होते हैं, बिल्कुल ना होने के बराबर. ठीक है जी, ये हमने एरिड एरियाज में पढ़ा था. अब एरिड एरिया की लाइफ स्टाइल एंड इकोनॉमी कैसा है, आपको पता है यहाँ पे जो है रेनफॉल बहुत लो है, इसलिए यहाँ पे कारे सिस्टम बनाया हुआ है. कारे सिस्टम एक इरिगेशन का सिस्टम है, अंडरग्राउंड वाटर होता है. लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं इन सर्च ऑफ वाटर. पीपल वेयर रफ क्लोथ्स यहाँ पे है ताकि अपने आप को हीट से बचा सकें. यहाँ पे नोमैडिक लाइफस्टाइल है क्योंकि एनिमल्स को मूव किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. टेम्परेचर इतना एक्सट्रीम होता है कि कल्टीवेशन नहीं हो पाती, और रगेड लैंडस्केप तो है ही, आप जानते हो अच्छी तरीके से. तो डू यू अंडरस्टैंड द इकोनॉमीज एंड लाइफस्टाइल एट द एरिड एरियाज? यस. हाँ ठीक है जी सर, इसको अच्छी तरीके से रिव्यू कर. आई होप दैट यू आर यस सर. आई होप दैट यू आर राइटिंग एज वेल. सर आपने कहा है लो एंगल सन से रिलेटेड आप कुछ बता रहे थे, एरिड एरियाज में सर्दी ज्यादा नहीं पड़ती, वो वाला पॉइंट एक दफा फिर से बोल दें. कौन सा था सर? आप कह रहे थे ना कि एरिड एरियाज में ठंडक ज्यादा नहीं पड़ती. हाँ, एरिड एरियाज में ठंडक पड़ती नहीं है ज्यादा, वहाँ पे विंटर्स होते हैं वो बिल्कुल वार्म विंटर्स होते हैं. तो उसकी आपने एक वजह बताई थी ना एंगल ऑफ सन से रिलेटेड, वो बता दे. बिल्कुल, वो लो यहां वहां पे हाई एंगल ऑफ सन द एरियाज नियर द इक्वेटर. अच्छा सही है. जितना ज्यादा एरिया इक्वेटर से नियर होगा उतना ही ज्यादा जो है आपके पास उस एरिया में गर्मी पड़ेगी, और वैसे भी ये रीजन बहुत ज्यादा ड्राई है, यहां रेनफॉल बहुत कम होती है. सर ट्रांसह्यूमंस की डेफिनेशन और कारे की डेफिनेशन फिर से बता दें. Yes, students. Done? Yes, sir. डेफिनेशन मैंने आपको बहुत दफा बताई हुई है, अभी बता देता हूँ. कि एनिमल मूव फ्रॉम हाई पैस्टर्स टू लो पैस्टर्स, उसको ट्रांसह्यूमंस कहते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से. जब नॉर्दर्न एरिया में सर्दी पड़ती है तो लो पैस्टर्स पे आ जाते हैं. सही. और सर आप कुछ कारे करके कह रहे थे जिसका मतलब था मूविंग फ्रॉम वन कारे सिस्टम. क्या वो रिपीट? यस यस. कारे सिस्टम इज द यूनिक सिस्टम ऑफ द वाटर सप्लाई इन बलूचिस्तान. वर्टिकल शाफ्ट बनाए जाते हैं, जब भी बारिश होती है तो पानी ग्राउंड के अंदर चला जाता है जमीन के अंदर, और वहां पे इसको. अच्छा सर, वही वो जो बाउल टाइप के बनाए हुए होते हैं पानी के स्टोर करने के लिए डेजर्ट्स वगैरह में, वो तो बेसन होते हैं. मैं इंडस मैं बलूचिस्तान की बात कर रहा हूं, वहां पे कारे सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता है. ओके. यूनिक सिस्टम ऑफ स्टोरिंग वाटर. यस, फॉर द स्टोरेज ऑफ वाटर. ये अभी मैं इसको डिटेल सर मैं दो मिनट के लिए डिस्कनेक्टेड हो रहा हूं, आप फिर ले लेंगे मुझे?
क्यों बेटा? सर वो कुछ इंटरनेट का इशू आ गया, वो रीस्टार्ट करना है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है, सी दिस इज अ लाइफस्टाइल। अब आ जाए लोलैंड के ऊपर। लोलैंड में कौन कौन से एरियाज हैं स्टूडेंट्स? क्या लाहौर लोलैंड में आता है? नहीं, नो सर। नहीं आता है। क्या हो गया? कौन कौन से इलाके में जल्दी से बताओ, सिंध से शुरू करो फटाफट। लाहौर, हैदराबाद, मुल्तान, चक्कर, दुबई, दुबई, अमेरिका, सियालकोट, रहीम यार खान, गुजरावाला, डेरा गाजी खान, शाबाश, ये सब है। अच्छा यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होता है लोलैंड के अंदर? सर रेनफॉल होती है लेकिन मतलब टेम्परेचर इतना लो नहीं होता, हाई होता है टेम्परेचर। समर्स में हाई होता है। यस, हॉट समर। समर्स कैसे होती है? हॉट समर्स होती है। सर विंटर्स में, विंटर्स में सबर में रेनफॉल। सर विंटर्स कूल माइल्ड टाइप की होती है, कूल विंटर नॉर्मल होता है। ठीक है सर, थंडरस्टॉर्म्स भी बहुत कॉमन होते हैं। थंडरस्टॉर्म्स आर कॉमन, वेरी गुड। यहां पे लाइफस्टाइल कैसा है? सबसे अच्छा लाइफस्टाइल कौन सी जोन का है? पाकिस्तान की पॉपुलेशन है, रेनफॉल भी सही होता है, रेनफॉल सिस्टम भी अच्छा है। यस, और मेन बात ये कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस होती है जिसकी, जो पाकिस्तान की 53% और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है इतनी ज्यादा। एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस नहीं है, एग्जैक्टली। पूरे पाकिस्तान में सबसे बेहतर क्लाइमेट, सबसे अच्छा आपका कौन सा है? लोलैंड। और यहीं पे हाई डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है। लोलैंड में लोग कर क्या रहे होते हैं? खेतीबाड़ी, फार्मिंग, एग्रीकल्चर। पर एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा होता है क्योंकि इंडस रिवर का एक तो उन लोगों को बेनिफिट होता है कि डेल्टा वगैरह, सॉरी डेल्टा का स्लो भी ज्यादा होता है, फ्लो ऑफ रिवर तेज होता है। वेरी गुड, वेरी फर्टाइल लैंड, शाबाश। अब आ जाए कोस्टल एरिया, जो हमारा एल्यूवियल फर्टाइल सॉइल। कोस्टल कौन कौन से लागे हैं कोस्टल के कराची में, पाकिस्तान में? सर गवादर है। वेरी गुड, गवादर सर, कराची, गवादर और मारा। वेरी गुड, कराची, ठट्टा, गवादर। जब बलूचिस्तान में जो साउथ साइड पे सारे जो सीज से लगते हैं, पूरा मकरान कोस्ट, जिवानी, मकरान कोस्ट, कराची, क्वेटा और मारा। नॉट क्वेटा, व्हाई क्वेटा? क्वेटा नहीं, सॉरी सर, पार्ट ऑफ हाईलैंड नहीं वो, कराची। अब्दुर्रहमान, अब्दुर्रहमान मस्ती कर रहा है। क्लाइमेट जो है यहाँ पे मैरीटाइम। व्हाट इज मैरीटाइम इन्फ्लुएंस? मान करें अनलॉक कर दे मीटिंग। द क्लाइमेट इज डोमिनेटेड बाय द सी ब्रीजेस मैरीटाइम इन्फ्लुएंस। आपको पता है यहाँ पे मैरीटाइम इन्फ्लुएंस रहता है। मैरीटाइम इन्फ्लुएंस क्या होता है? द डेज आर हॉट and the nights are cooler, the nights are cooler, yes yes sea breezes prevail. Sir maritime influence ekdam samjha de zara brief karke. Maritime influence ka matlab hota hai the days are hot, the nights are cooler. Sir meeting unlock karte hain, Usman Farooq ko aana hai. The days are hot and the nights are cooler. Samajh mein aayi ji? The days are hotter and the nights are cooler. Do you understand? यस सर। सर इसकी वही वजह है ना कि सन की रेजेस डायरेक्ट जब पड़ रही होती हैं जमीन पे तो वो एब्जॉर्ब कर लेती है हीट, जबकि पानी इतना एब्जॉर्ब नहीं कर रहा। यस यस यस, ये वही वाली बात है। ह्यूमिडिटी लेवल कराची में ज्यादा होता है। व्हाट इज द लाइफस्टाइल एंड इकोनॉमी एट कोस्टल एरिया क्लाइमेट? प्लीज टेक द क्वेश्चन, प्लीज टेक द क्वेश्चन। यहाँ फार्मिंग तो नहीं होती, होती है तो बहुत कम होती है। यहाँ क्या होता है, यहाँ का लाइफस्टाइल कैसा है? प्लीज टेक द क्वेश्चन। सर कौन सा क्वेश्चन? मैं बता रहा हूँ,
वो खुद कह रहे हैं रुक तो जाओ सुनने तो दो थोड़ा सब्र कर ले एक्सप्लेन द लाइफस्टाइल सर बोले एक्सप्लेन द लाइफस्टाइल एक्स ऑफ कराची द या कोस्टल एरिया लाइफस्टाइल ऑफ कराची कोस्टल एरिया यस लिखना शुरू किया यस क्या लाइफस्टाइल होता है लिखो पहले से कोस्टल लेने का रास्ता नहीं आपने हटाई है नहीं अल्लाह मुझे शो नहीं हो रही सही हो गई सर अल्लाह तुम क्या चीज हो यार इंसान है क्या चीज हो यार कितने मार्क्स का क्वेश्चन 4 मार्क का क्वेश्चन Done. सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है जोन में स्पेशली कराची में वो किस वजह से यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं क्या है यहाँ पे सी पोर्ट की वजह से जो कि इंटरनेशनल ट्रेड जो पूरे पाकिस्तान की पूरी कंट्रीज से लिंक्ड है यहाँ जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है समर मंथ में ट्रॉपिकल साइक्लोन का यहाँ खर्चा होता है जो फिशिंग जो है बहुत कम पॉसिबल होती है क्योंकि यहाँ लॉस ऑफ लाइफ होते हैं कम्युनिटीज वगैरह में क्योंकि समंदर के अंदर फिशिंग होती है तो नियरली होती है मगर कम होती है कम क्यों होती है सर ट्रॉपिकल साइक्लोन का खर्चा होता है अच्छा सर इट इज वाइल्ड फिशिंग ऑन सी डेंजरस डन डन सर एक मिनट सर मेरी कॉपी नहीं मिल रही थी मैं रफ में करके आपको भेज रहा हूँ सुकैना डन मानू डन सर आई एम डूइंग इट इरजा
Is Irza there today? Yes, sir. I'm doing. What about Malaika, Tisha, Manur, Aisha Amir? Aisha, are you there with us? Do we have Aisha Amir today here? No. No, sir. Do we have Barira? Yes, sir, Barira. Barira, can you hear me? All right, now I'm moving towards the factors affecting the temperature of Pakistan. The last thing of all, आप जानते हैं कि पाकिस्तान में different different जगह temperatures क्या क्यों हैं? Latitudinal effect मैंने आपको पढ़ाया था. The areas which lie near the equator, वहाँ से sunlight ज़्यादा receive होती है. और जो इक्वेटर के डिस्टेंस के ऊपर है वहां कम रिसीव होती है, यानी गर्मी कम पड़ती है. कॉन्टिनेंटल इफेक्ट वो एरियाज होते हैं जहां पे समंदर का इफेक्ट नहीं है, यानी कि मैरीटाइम इन्फ्लुएंस का नहीं है. वहां विंटर्स एक्सट्रीम होते हैं और समर भी टेम्परेचर भी सिवियर होता है. एल्टीट्यूड एंड टेम्परेचर का आपको पता है, एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेस द टेम्परेचर डिक्रीजेस. क्लाउड कवर एंड टेम्परेचर भी आप जानते हैं कि जब जितना ज्यादा जब क्लाउड की फॉर्मेशन होती है तो इट रिड्यूसेस द हीट, और फिर वापस से इसके अंदर हीट आ जाती है. हीट वो रिलीज करता है जब नाइट्स में सनलाइट खत्म हो जाती है. एंगल ऑफ सन आप अच्छी तरीके से जानते हो कि जहां भी आप जाओ आपको एंगल ऑफ सन मिलेगा. जहां एंगल ऑफ सन हाई होगा वहां पर ज्यादा सर्दी होगी, लो होगा गर्मी होगी. जहां लो एंगल ऑफ सन होगा वहां ज्यादा आपके पास सर्दी होगी. ये देखें, दिस इज हाउ योर थिंग्स गोइंग ऑन. ठीक है जी, थैंक यू सो वेरी मच क्लास. आज के लिए यही है और आई एम शेयरिंग ऑन योर व्हाट्सएप. वो लास्ट वाली पे क्लास फिर से दिखा दें प्लीज. प्लीज कंफर्म मी. जस्ट प्लीज कंफर्म मी. यस सर, यस सर. लास्ट वाली जो आपने दिखाई है स्लाइड वो. आई एम शेयरिंग द वर्कशीट विद यू. ठीक है भाई, वो ग्रुप पे भेज रहे हैं सारी चीजें. अच्छा ओके, सही है फिर तो. सही है, ऐसे ऑनलाइन क्लास में नहीं आना. सही है ना, तुम बिल्कुल अब नहीं बोलना. सही नहीं, मैं तो बोल रहा हूं सर अपने टारगेट पहले से. यार चुप कर जाओ. एक्सक्यूज मी, प्लीज चेक करो कि वर्कशीट आ गई क्लाइमेट की. जी आ गई. यस सर, आ गई आ गई आ गई. सॉल्व इट एंड रिटर्न इट बैक टू मी. ठीक है, बाय टुमारो. ओके सर. Sayonara.